ताजनगरी में भले ही बाढ़ का खतरा टल गया हो, लेकिन बाढ़ के निशान अभी भी बाकी हैं, जिसने लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बाढ़ के बाद यमुना किनारे के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सक, ANM और आशाओं की टीम गठित कर क्षेत्रों में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। साथ ही मरीजों के उपचार व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर दी गई है। देखिए, ये वक्त जो बरसात का और बरसात के बाद का सीज़न काफ़ी निश्चित तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि संचारी रोगों का प्रकोप बढ़ता है। इसमें विगत वर्षों में हमने भी देखा है कि जनपद के जो पेरी अर्बन इलाके हैं और ग्रामीण कुछ इलाके, कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पानी का स्टग्नेशन है, रुकाव है, लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर संचारी रोग का प्रचार प्रसार तेज़ी से होता है। इसको देखते हुए हम लोग ने जो विशेष संचारी माह जो इस वक्त हम लोग जुलाई में आयोजित कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक करीब 12 विभागों द्वारा संयुक्त प्रयास करके वहाँ पे साफ़ सफाई करना, नालियों की सफाई होना, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, जो हमारे संक्रमण के सोर्स हैं उनको समाप्त करना, उसके लिए हम लोग 17 तारीख से 10 तक अभियान के दौरान हमारी आशाएं और आंगनवाड़ी और ANM बहनें घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं, जागरूक कर रही हैं। साथ ही साथ हम लोग ई कवच पर जो रोगी हैं उनका हम लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं और उनकी हम लोग उसी आधार पर जांच कराकर किसी भी व्यक्ति को जिसको बुखार है उसकी हम लोग जांच, चाहे वो मलेरिया है और डेंगू हो, सबका कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही संक्रमण आरंभ हो या उसकी संभावना हो तत्काल उसको हम लोग रोक पाएँ। साथ ही में जो हमारे संक्रमण के ज़्यादा प्रोन एरिया हैं, ख़ासतौर से जैसे कूलर हैं या फ्रिज हैं या जो हमारे जहाँ पे जल का भराव रहता है वहाँ पे हम लोग विशेष तौर से अपनी मलेरिया की टीमें लगाकर उन संक्रमणों को ख़त्म करने का एक अभियान चला रहे हैं।